प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई हिमकेयर योजना के बंद होने की खबरों पर मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग संजय अवस्थी ने विराम लगाते हुए कहा कि इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आयुष्मान में जो लोग पंजीकृत नहीं हुए थे उन लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना को आरंभ किया था। योजना बंद होने को लेकर भाजपा ने भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि हिमकेयर योजना बंद होने की किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। हिमकेयर योजना में कुछ अनियमितताओं के कारण फिलहाल इसमें कुछ दिक्कतें रही है। इस योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले इसके लिए सरकार इस ओर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसमें अगर कुछ बेहतर करने का होगा तो वह भी किया जाएगा। नहीं, अभी कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि प्रदेशवासियों को बेहतर से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उसी दृष्टिकोण से जो है हम कार्य कर रहे हैं। और ये कुछ इसमें हिमकेयर में कुछ जो बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी उसमें कुछ हमारे नोटिस में, सरकार के नोटिस में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में कुछ अनियमितताएं आई थी, तो उसके बारे में हम फीडबैक ले रहे थे। अब वो अंतिम चरण में है, जल्दी ही इसके बारे में जो है इसकी सुविधा जो है पूर्व की तरह मिलनी शुरू हो जाएगी, ये मैं कहना चाहूँगा।